चंद्रहासो ज्वल करा शारदूल वरवाहना कात्यायिनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति की पावन कथा। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। माँ कात्यायनी की कथा के अनुसार कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी शत्रुहंता हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन आग्नेय चक्र पर केंद्रित होता है। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई हैं। कात्यायनी देवी की पूजा से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। इनकी उपासना का दूसरा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी प्रकार से माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा पूर्ण होती है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और माता रानी के इस प्यारे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।